हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश करवार, आपका फिजिक्स टीचर बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। आई होप यू पीपल आर यूटिलाइजिंग योर फ्री टाइम टू अचीव योर गोल्स। ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड टू फोकस एंड स्टडीज व्हेन वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू आवर रूम्स ओनली। स्पेशली फॉर माई स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग बहुत ही फ्री होकर पढ़ाई करते थे। हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे और कई घंटों बैठ के डाउट भी डिस्कस करते रहते थे। तो ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम लोग जो है कि अगर मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग भी फोकस कीजिए थोड़ा सा, है ना, और पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो बात करते हैं हम लोग आज के वीडियो लेक्चर ऑप्टिक्स की। ठीक, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑप्टिक्स के बारे में बताया कि स्टडी ऑफ लाइट होता है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि इस फिजिकल वर्ल्ड में जो मैक्सिमम स्पीड है किसी पार्टिकल की या किसी चीज़ की, वो स्पीड ऑफ लाइट ही है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से, और उसकी वैल्यू है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं आप लोग, इतनी बड़ी वैल्यू, 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर भी सनरेज को सन से अर्थ पे आने में जो टाइम लगता है वो है 8 मिनट और 10 सेकंड ऑन एन एवरेज। ठीक, तो समझ सकते हैं आप लोग कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना बिग है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है कि नहीं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स की, कि जो ऑप्टिक्स है उसे कैसे पढ़ना है। तो ऑप्टिक्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो हिस्से? एक जो हिस्सा है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, और दूसरा जो हिस्सा है वो है वेव ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है, रे ऑप्टिक्स। तो जो पहला चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में वो ऑप्टिक्स में वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा चैप्टर जो है वो वेव ऑप्टिक्स है। हम लोग पहला चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। आइए तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी ले लेते हैं। क्या कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं, है ना। जो मैंने आपको बताया था कि लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ते हैं। दूसरी क्या बात है कि इसमें हम लोग लाइट को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जो नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड है जिसको हम लोग नेकेड आई से देख रहे हैं, जो जो फिनोमिनन हम लोग नेकेड आई से देख रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंसेज, रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंसेज, ये सारी चीज़ें क्या हम लोग नेकेड आई से देख पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बात करेंगे। ठीक, और एक बड़ी चीज़ क्या कि जब लाइट जो है वो किसी ऐसे ऑब्स्टेकल या ऐसे सरफेस को साथ इंटरैक्ट करती है जिसका साइज, जिसका डायमेंशन या साइज, अगर डायमेंशन इज मच मच ग्रेटर देन क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट, बताया था मैंने वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, विजिबल रीजन में जो 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर था, वही वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट या डायमेंशन ऑफ ऑप्टिकल्स ऑब्स्टेंस से, है ना, ऑब्स्टिकल से बहुत ज़्यादा अगर कम हो, तो वो जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाई करती है। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से, रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से पढ़ेंगे, प्रिज्म से पढ़ेंगे, वो सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आएंगे। और कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे यार, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनकी वर्किंग जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी किस में आता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में जो दूसरा नेचर ऑफ लाइट है वो हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, वेव नेचर पढ़ते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या कि माइक्रोस्कोपिक लेवल जो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते थे, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके डील करेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि 10⁻⁶, -7, -8, है ना, एमस्ट्रॉम में जो यूनिट लेते हैं हम लोग, वो वाली जो चीज़ें हैं वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। यानी कि बहुत जब बारीकी से अंदर स्टडी ऑफ लाइट करेंगे तो वो हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और क्या चीज़ें,
कि जब लाइट ऐसे किसी ऑब्स्टिकल से इंटरेक्ट करती है जिसका डायमेंशन उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल है या फिर उससे जस्ट थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा है, तो हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ता है। क्या? डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसके साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही है या स्ट्राइक हो रही है जिसपे, वो अगर कंपेरेबल है क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से फिनोमिनन पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में? तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डाइफ्रैक्शन, है ना, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और भी बहुत सारे प्रोसेस है, पोलराइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? वही जो आपने टेंथ में पढ़ा था, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला टॉपिक हम लोग हेडिंग डालते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन इज दैट फिनोमिना इन विच लाइट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंसेस बैक एट सम एंगल। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है ना, इस पे लाइट किसी एंगल पे इस तरीके से पड़ती है। ठीक, ये लाइट पड़ती, मान लो ये उस सरफेस का नॉर्मल है, ये जो बनाया मैंने ये क्या है, नॉर्मल है उस सरफेस का। तो लाइट मान लो कुछ इस नॉर्मल से एंगल, किसी एंगल पे ये लाइट इंसिडेंट हुई है, तो कुछ एंगल पे क्या हो जाएगा, वापस बाउंस बैक हो जाएगी, है ना, बाउंस बैक हो जाएगी। जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। बेसिक बातें हैं। और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। सेम उसी तरीके से रेस को, ये जो इंसिडेंट रे है इसका नाम है इंसिडेंट एंगल, है ना, क्या, इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो दो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा पहला इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और जो सरफेस है उसके जो नॉर्मल लाइन है उसे हम लोग नॉर्मल लाइन बोलेंगे, डिनोट करेंगे एन से। ठीक, तो ये हमारा हुआ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के? तो एक जो है वो है रेगुलर, है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो मैंने बनाया है ये क्या है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि इसमें प्लेन सरफेस होता है बिल्कुल, है ना, प्लेन सरफेस, क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस होता है। तो प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होता है, कि मान लीजिए कोई सरफेस है वो इररेगुलर सरफेस रहेगा, इस तरीके से कोई सरफेस रहेगा, है ना, तो क्या होगा कि लाइट मान लीजिए किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है, ये लाइट है आपकी मान लीजिए कि इस तरीके से इस पे इंसिडेंट हुई है। ठीक, तो ये सरफेस के कुछ नॉर्मल होगा, लेट से कि ये इस सरफेस का नॉर्मल होगा, है ना, इस तरीके से बाहर पे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से रे कुछ इस तरीके से लेट से चली जाती है, तो ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये जो इररेगुलर सरफेसेस है यहाँ पे क्या होता है कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है, या फिर कोई भी रफ सरफेस ले लीजिए, है ना, तो लाइट आएगी इस तरीके से, ठीक, यहाँ से तो ऐसे हो गई, लेकिन फिर जब पड़ेगी तो एंगल कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ये एंगल आई। तो जैसे जिस सरफेस के साथ उस पॉइंट पे डिपेंडेंट है कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट किस तरीके का है, तो जैसा वो पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, है ना, जो पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट हम लोग बनाएंगे, जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। ठीक, समझ में आया आपको, क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, बात करते हैं अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है,
बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं, है ना। टेंथ में एक बार हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि तीनों क्वांटिटी, कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, जो तीसरी लाइन बनाई थी हमने सरफेस के परपेंडिकुलर, वो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। ऑल लाइन सेम प्लेन का क्या मतलब है, देखिए जरा इसको भी, कि मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, है ना, लाइट आती है इस तरीके से, ये लाइट आई, ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर होना चाहिए, और लाइट ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से चली जाएगी। तो ये जो सेकेंड लॉ, ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे, ठीक इसी प्लेन में है यार इंसिडेंट रे, ये जो नॉर्मल है ना नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे मान लीजिए आउट ऑफ द प्लेन इस तरीके से गई और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इस प्लेन में आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक। तो वेक्टरली अगर हम लोग लिखना चाहें कि लेट से इंसिडेंट रे कोई वेक्टर है ना, नॉर्मल भी एक वेक्टर है और रिफ्लेक्टेड रे को भी एक वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, तो कहा जाता है ना क्या, कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट, कैसे डिनोट किया जाता है ट्रिपल प्रोडक्ट, आई क्रॉस आर डॉट एन वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, क्या कि आई क्रॉस आर यानी कि देखो यार डायरेक्शन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, आई का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, आई का डायरेक्शन अगर ये है, ये आई का डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन हो गया, आई क्रॉस आर यानी कि आई क्रॉस आर की तरफ उंगली मोड़ दीजिए, आई क्रॉस आर, है ना, तो वेक्टर जो आया आई क्रॉस आर एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, वो वेक्टर जो आया वो कैसा आया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये एक वेक्टर आ गया हमारा आई क्रॉस आर डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, एन वेक्टर के साथ, तो कोई भी वेक्टर जो इस तरीके से परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल के साथ, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल क्या आएगा बीच में, 90 डिग्री, और हमें पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा 0 डिग्री आएगा। समझ में आ रही है बात, कि जो हमारा आई क्रॉस आर है वो इस तरीके से होगा, तो वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो उन दोनों वेक्टर्स का हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक, नोट कीजिए इसको। तो बच्चों लिखा आपने, आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक, क्या है क्वेश्चन, कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि कोई एक रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये प्लेन सरफेस है, इस पर एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस तरीके से, कि ये एक इंसिडेंट रे है, ये इस पर पड़ रही है, ये नॉर्मल है इस सरफेस का, अच्छा ये नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाएगी, इन रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो अगर लाइट ये वाले पाथ में जाती और अगर सीधे सीधे निकल जाती, किस तरीके से, इस तरीके से अगर लाइट सीधे निकल जाती, है ना, इस तरीके ऐसे आती और सीधे निकल जाती, तब तो कहते हैं कि लाइट डेविएट नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, हमारी फाइनल रे ये है, यानी कि जाना ऐसे था और गई कैसे, ऐसे, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, इतना डेविएट हो गई वो, यानी कि दिस इज वॉट, एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा यार, बता दीजिए जल्दी से, क्या कि ये पूरा जो एंगल है दैट इज पाई 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना है, आई, एंड दिस इज ऑल्सो आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है आई, ये भी आई यानी कि 2i, तो ये पूरा एंगल 180 माइनस 2i, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, या फिर पाई माइनस 2i रेडियन में है। तो समझ में आ रही है बात आपको, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग,
आइए अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए जरा उसको भी, कि लाइट स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। कैसे स्फेरिकल सरफेस? एक स्फेरिकल सरफेस है इस तरीके का, लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर के स्फेरिकल सरफेस पे इंसिडेंट हुई है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। ठीक, तो बताना है कि ये जो एक्स वाई है, ये जो कोऑर्डिनेट है क्या एक्स वाई, ये क्या होगा? ठीक, टेकिंग ओरिजिन एज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, आइए देखते हैं ये भी। तो हमने कहा कि ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे, तो ध्यान से देखिए, ये जो सरफेस है इस पे वो एक टेंजेंट मारिए इस तरीके से, तो ये मान लीजिए प्लेन सरफेस है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होना चाहिए। ठीक, इतना ही बना दीजिए, ये हो जाएगी आपकी वर्टिकली, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या कि लाइट हॉरिजॉन्टली आ रही है और वर्टिकली चली जा रही है, तो हमें बताना है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, फाइंड एक्स कॉमा वाई इफ लाइट इज इंसिडेंट, लाइट इज इंसिडेंट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एंड गेट रिफ्लेक्टेड वर्टिकली, रिफ्लेक्ट बैक वर्टिकली। ठीक, तो इसके लिए फाइंड करना है हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ध्यान दीजिए कैसे फाइंड करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको ये चीज दी हुई कि ये क्या है, ये आर है। ठीक, ये अगर आर है तो लेट्स से ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए, अब ये जो रेडियस वाला लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये इस सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ये आर है तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक, अब देखिए कि हॉरिजॉन्टली आ रही है और वर्टिकली जा रही है, तो ये जो एंगल है ये दोनों बराबर होने चाहिए, कितना बराबर होगा यार, ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, यही एक पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये एंगल 45, तो थीटा भी कितना 45, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट इज आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा मतलब कि आर कॉस 45 डिग्री रूट टू, है ना, और ये हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा विच इज अगेन आर बाय रूट टू। होप कि समझ में आया होगा आपको, अच्छे से ये नोट कर लीजिए, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। ठीक, पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने डीपीपी दी थी, थोड़ा हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं डीपीपी के क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए इसे, तो आइए डीपीपी के क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज, कौन सी चीजें चेंज होगी। तो पहला है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाता है, यानी कि हमारा जो दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये गलत, तीसरा फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, वो भी गलत, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चौथा है वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, तो ये सही है, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक, दूसरा आप लोग खुद से करिए, तीसरा मैं डिस्कस करता हूँ क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर देन क्या होगा, अगर एयर से वाटर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, पहला है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड स्पीड डिक्रीजेज, फिर से वही बात, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, स्पीड में अंतर आ सकता है। तो जब एयर से वाटर में जा रही है तो याद कीजिए 10th में आपने क्या पढ़ा था, है ना, एक्चुअली ये डीपीपी जो है वो मैंने 10th रिकैपिचुलेट करने के लिए दिया था आपको, कि देखते हैं आप कितना याद रखे हुए हैं उस टॉपिक को, हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सारे टॉपिक्स हमारे आएंगे, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें थी इसलिए मैंने आपको डीपीपी में सॉल्व करने के लिए दिया। ठीक, क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर देन इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड स्पीड डिक्रीजेज, तो स्पीड डिक्रीज कब होगी, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए एयर टू वाटर जा रही है, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो सही बात है कि स्पीड तो डिक्रीज हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा फ्रीक्वेंसी सेम बट वेवलेंथ इज स्मॉलर,
वेव क्या वेवलेंथ कम हो जाएगी? नहीं, अगर हाँ सॉरी स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा। याद कीजिए फॉर्मूला लिखाया था हमने क्या, एफ इज इक्वल्स टू वी बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं वी वन बाय लेमडा वन इज इक्वल टू वी टू बाय लेमडा टू, है कि नहीं? यानी कि वी वन बाय वी टू इज इक्वल्स टू लेमडा वन बाय लेमडा टू। अगर वी वन इज स्मॉलर देन वी टू यानी कि लेमडा वन इज स्मॉलर देन लेमडा टू, है कि नहीं? यानी कि वेवलेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सही बात है कि वेवलेंथ कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी सेम, यानी बी ऑप्शन सही है। सी क्या था, फ्रीक्वेंसी सेम बट दिस इन वाटर, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है छोड़ दीजिए इसे, वैसे ही बी ऑप्शन सही है। डी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज एंड वेवलेंथ इन वाटर देन इन एयर। अच्छा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होती है कि नहीं? ठीक। चौथा सॉल्व कीजिए आप लोग। पांचवा क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस ऑफ सन एंड अर्थ इफ टाइम टेकन टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स जो भी है ना, 8 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। तो टाइम दिया गया है, आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला है, होप कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, या फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और उसमें भी आप लोग कमेंट या पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।